नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आइए देखते हैं टॉप 10 खबरें। दिल्ली में 20 मार्च से किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन। राकेश टकैत तो बोले, जमीन छीनने की हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें आसपास जिलों के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान किसान नेता राकेश टकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में 20 मार्च से किसान फिर से आंदोलन करेंगे। महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की जमीन छीनने की तैयारी हो रही है। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि निकित अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने चित्रकूट जेल में मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर पहुंची थी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। वाईएसआरसीपी सांसद मंगूता श्रीनिवासुल्लू रेड्डी के बेटे को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। परिवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सांसद मंगूता श्रीनिवासुल्लू रेड्डी के बेटे मंगूता राघव को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हैदराबाद से ही एक और गिरफ्तारी हुई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस चाहत खन्ना को भेजा 100 करोड़ का लीगल नोटिस। छवि खराब करने का है आरोप। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है कि जिस मामले में सुकेश चंद्रशेखर आरोपी है, वह मामला अभी अदालत के समक्ष विचाराधीन है और जब तक कोई आरोपी किसी मामले में दोषी साबित नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी व्यक्ति को उस आरोपी के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम गहलोत के पुराना बजट पढ़ने पर बवाल, बीजेपी ने कसा तंज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज एक बड़ी गलती हो गई, गलती वो भी विधानसभा में। मुख्यमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पढ़ रहे थे, लेकिन जो बजट वह पढ़ रहे थे वह एक साल पुराना था। इसके बाद से इस मसले में राजनीति गर्मा गई है। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए उत्तराखंड में बनाए गए सख्त कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू। पेपर लीक और नकल की घटनाओं के लिए उत्तराखंड सरकार नए कानून लेकर आई है, जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लागू भी हो गया है। इन कानूनों में आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना वसूलना प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता को नक्सलियों ने सर पे मारी गोली। 5 दिन में भाजपा के दूसरे नेता की हत्या। नारायणपुर में नक्सलियों ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इस वारदात से पहले 5 फरवरी को भी एक बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। महाराष्ट्र विधायक रत्नाकर गट्टे के खिलाफ FIR दर्ज, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक रत्नाकर गट्टे पर 5 बैंकों से हजारों किसानों के नाम पर करोड़ों रुपए का कर्ज लेने का आरोप है। इस मामले में गट्टे के अलावा उनके बेटों, परिवार के अन्य सदस्यों और गंगाखेड़ शुगर मिल के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर बिछाई गई 4 लेन सड़क। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को शानदार उपलब्धि बताया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ जोड़ेगा। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर रात 12:30 बजे एक हादसा हो गया। एलिवेटेड रोड पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में एक युवती भूमिका की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में घायल रॉबिन, प्रभाष, अर्पित, अभिषेक और श्वेता अस्पताल में भर्ती हैं।